नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम लोग मैप्स में बात करेंगे, प्रमुख विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मैप्स में देखे थे प्रमुख बंदरगाह जो थे विश्व के, उनके बारे में। आज बात करेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो चलिए, एक बार सबसे पहले हम लोग पृथ्वी की स्थिति देख लेते हैं मैप्स में, कहाँ कौन सा महाद्वीप है, क्या है कौन सा द्वीप। ठीक है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा प्यारा एशिया। ठीक है, ये हमारा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये नीचे आपका अंटार्कटिका हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया पूरा। ठीक है, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग एशिया में, किसमें? एशिया महाद्वीप में। एशिया में बात करते हैं सबसे पहले प्यारे इंडिया के बारे में। ये हमारा प्यारा भारत, इसमें यहाँ आपका श्रीलंका है, लक्षद्वीप सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी देशों से भारत की सीमा लगती है। ठीक है, याद रखना है आपको। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, पीयू के वाले हिस्से का, और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है। ठीक, ये आपका ऊपर रूस हो गया। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में, महाद्वीप में भी आता है और एशिया में भी आता है, याद रखना आपको। ये आपका मंगोलिया हो गया, चीन है, ये आपका उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया है, इसे पीत सागर या पीला सागर, ये आपका एक पूर्वी चीन सागर है, ये आपका जापान है, यहाँ यही आपका जापान सागर है, ये आपका ताइवान है, ये फिलीपींस सागर है, ये फिलीपींस है, याद रखना दक्षिण चीन सागर, ये है आपका दक्षिण चीन सागर, जो समाचारों में अक्सर बना रहता है खबर में। ठीक है, क्योंकि चीन इस पर अपना दबदबा करता रहता है, इसलिए। ये आपका वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, बर्मा देख ही चुके चुके म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे। नीचे आते हैं तो मलेशिया, ये आपकी थाईलैंड की खाड़ी है, सिंगापुर, ये आपका जावा सागर है, इंडोनेशिया है। ठीक है, ये आपका पपुआ न्यू गिनी है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका टास्मानिया है, ये आपका न्यूजीलैंड है, क्राइस्ट चर्च और वेलिंगटन, ऑकलैंड, ये आपका तस्मान सागर है, ये महान ऑस्ट्रेलियाई खलीज है, ये आपका अंटार्कटिका है। अब चलते हैं हम लोग यूरोप। कहाँ चलते हैं? यूरोप में। एशिया के कुछ भी ये देश हैं, जैसे तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ये आपकी फारस की खाड़ी है, यहाँ संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान, यमन, ये अदन की खाड़ी है, लाल सागर है आपका, इजराइल, जॉर्डन, इराक, सीरिया, तुर्की, तुर्की का भी कुछ हिस्सा आपका यूरोप में आता है, और एशिया में जॉर्जिया का भी कुछ भाग यूरोप में आता है। ठीक है, इस तरह कुछ महत्वपूर्ण देश। कृष्ण सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है, फिर आपका ये हो जाता है यूरोप, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, हंगरी, क्रोएशिया, इटली, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चेकिया, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल। ठीक है, ये आपका आइसलैंड है, यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया,
सहारा, मोरिटानिया, सेनेगल, गिनी, लाइबेरिया, घना, टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया हो गया, इरिट्रिया, जिबूती है, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, नाइजीरिया, गेवोन, कांगो, कॉर्गो गणराज्य, तंजानिया, केन्या, युगांडा, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, मैं इसलिए इन देशों को बता रहा हूँ जिससे आपको भी, हम लोग द्वीप देखेंगे तो उनकी स्थिति के बारे में आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा कहाँ है। ये आपका दक्षिणी अंध महासागर है, ये आपका हिंद महासागर हो गया था। ठीक है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये ऊपर आपका नॉर्वियन सागर है, ग्रीनलैंड सागर, ये आपका ग्रीनलैंड है, बाफिन खाड़ी। अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में। पहले ये आपका दक्षिणी अमेरिका, तो इसमें अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे, चिली, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील, पेरू प्रमुख देश इस तरह के हैं, क्वाडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, डोमिनियन गणराज्य, क्यूबा, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा, पनामा। पता है आपको ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, इसीलिए दो भागों में बांट देती है, पश्चिम सॉरी उत्तर और दक्षिण। अब ये है आपका उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये आपकी, कनाडा, ये आपका न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो, अलास्का की खाड़ी। ठीक है, तो ये है आपके प्रमुख देश, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण देश। चलिए अब इनकी द्वीपों की स्थिति देखते हैं मैप्स में। ये आपका एशिया है, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका से होते हुए, पूरा देखेंगे एशिया के हों, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सभी जो आपके द्वीप हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाकलैंड, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका के पास फाकलैंड। फाकलैंड के बारे में आपको याद रखना है, फॉकलैंड स्पेनिश भाषा में से इस लास मालविना विनाज कहा जाता है, यह टेरा डेल फ्यूगो के पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक ब्रिटिश द्वीप है जिसका मुख्यालय स्टेनली है तथा सर्वोच्च बिंदु उसवान है। इस द्वीप पर अधिपत्य हेतु अर्जेंटीना एवं ब्रिटेन के मध्य विवाद चल रहा है। याद रखना, फॉकलैंड के पर किस किस का विवाद चल रहा है, ब्रिटेन का और अर्जेंटीना का। यही आपका टेरा डेल फ्यूगो है, फिर है आपका ईस्टर, ये आपका ईस्टर द्वीप। ईस्टर द्वीप के बारे में आपको याद रखना है कि जो आपका ईस्टर द्वीप है, यह द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, पोलिनेशिया द्वीप समूह पूर्वोत्तम द्वीप है। ठीक है, यह चिली के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, कहाँ आता है, चिली के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। यही आपका प्रशांत महासागर में तेहाती द्वीप है, कौन सा, तेहाती द्वीप। ये आपका गेला पेगोस द्वीप है, गेला पेगोस द्वीप, यह है आपका, यह भी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, विषुवत रेखा पर है, यह आपका विषुवत रेखा पर है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कुक, यह आपका कुक द्वीप है प्रशांत महासागर में ही। कुक के बाद ये समुआ है, यही आपका न्यू है, न्यू द्वीप, फोनिक्स द्वीप, कौन सा, फोनिक्स, पाल मायरा द्वीप, ये सभी प्रशांत महासागर। ये आपका देख ही लिया है,
अब चलते हैं हम लोग हवाई दूरी, ये है आपका हवाई दूरी, कौन सा हवाई दूरी, जो आपका हवाई दूरी है ये प्रशांत महासागर में मैक्सिको के पश्चिम स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि यह द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य, कौन सा 50वां राज्य, इसकी राजधानी होनोलुलु है, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, ये आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है, ये सभी प्रशांत महासागर के पास। फिर हम लोग चलते हैं, ये आपका टीडी डा टोबेगो, बट टोबेगो है, टीडी टेमिन या टीनी डार बट टोबेगो, इसके बारे में याद रखना है आपको कि ये आपका, इसे तिनी दाद बट टोबेगो भी बोलते हैं, ये आपका कैरिबियन सागर में दक्षिण अमेरिका के उत्तर में अवस्थित एक स्वतंत्र देश है, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, ये आपका क्यूबा है, फिर कौन सा, यही पहले आपका प्यूरो टोरिको है, फिर आपका ये क्यूबा है, क्यूबा, क्यूबा मेक्सिको की खाड़ी के पास है, ठीक है, कैरिबियन सागर में, क्यूबा द्वीप आपका मेक्सिको की खाड़ी के पास है कैरिबियन सागर में, ये आपका बहामा द्वीप है, कौन सा, बहामा द्वीप, ये आपका अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के पूर्व स्थित है, ठीक, कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, ये आपका लैंग द्वीप है, कौन सा, लैंग द्वीप, ये आपका प्रिंस एडवर्ड द्वीप है, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, जो प्रिंस प्रिंस एडवर्ड द्वीप है आपका, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा का है, ठीक है, ये आपका न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड के बारे में याद रखना है, ये आपका कनाडा के लिब्राडोर प्रायद्वीप के पूर्व स्थित है, इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स, ये आपका वैंकूवर है, यहाँ वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर द्वीप है जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पश्चिमी सीमा के सहारे आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है, कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, नूनीवाक, नूनीवाक भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित है अलास्का के पास, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये आपका एल्यूसियन, एल्यूसियन द्वीप है, बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से अलग करने वाला है, बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से अलग करने वाला है ज्वालामुखी द्वीप, ठीक है, ये आपका बैंक्स, कौन सा, बैंक्स या बैंक्स है, बैंक्स द्वीप, इसके बारे में याद रखना है कि ये आपका जो बैंक्स द्वीप है ये आपका उत्तरी अमेरिका के ब्यूफोर्ट सागर में अवस्थित है, कहाँ है, ब्यूफोर्ट सागर में, कनाडा का एक द्वीप है, ठीक है, यही आपका विक्टोरिया द्वीप है, कौन सा, विक्टोरिया द्वीप, यह कनाडा की मुख्य भूमि के उत्तर पश्चिम अवस्थित कनाडा का एक द्वीप है, ठीक है, आर्कटिक महासागर में अवस्थित है, विक्टोरिया आपका द्वीप आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है, ये आपका बेफिन है, बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप कनाडा के उत्तर में है अटल आर्कटिक महासागर में, कनाडा के उत्तर में है आर्कटिक महासागर में, ये आपका एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ, इसके बारे में याद रखना है कि एलिजाबेथ आपका कनाडा तरह ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है, जिस पर 103 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 78 उत्तरी अक्षांश पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है, यहाँ ये आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप,
यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह आपका अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, परंतु प्रशासनिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन है। याद रखना है, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का यह भाग है, परंतु प्रशासनिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन है। नूक इस द्वीप की राजधानी है, नूक इस द्वीप की राजधानी है। ये आपका आइसलैंड है, आइसलैंड कौन सा, आइसलैंड द्वीप। चलिए अब हम बात करते हैं अफ्रीका। हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो प्रमुख द्वीप थे उन्हें देख ही लिया है, तो हम अफ्रीका के महाद्वीप कुछ द्वीप देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पास जो द्वीप है, सबसे पहले बात करते हैं सेंट हेलेना। ये आपका है सेंट हेलेना द्वीप। इसके बारे में आपको याद रखना है कि सेंट हेलेना द्वीप आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इस द्वीप को 21 मई 1502 में पुर्तगालियों ने खोजा था। किसने? पुर्तगालियों ने। और 1661 में ब्रिटेन के अधिकार में आ गया था। आपको पता होना चाहिए 1815 से 1821 तक नेपोलियन को कैद में रख करके रखा गया था यहाँ सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है, तो याद रखना है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ये आपका ये सेंसियन द्वीप, इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह द्वीप अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। क्या है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। यह द्वीप इंग्लैंड का उपनिवेश है, इंग्लैंड ही इस पर शासन करता है। ठीक है, इस ये सेंसियन द्वीप। फिर आपका साओ टोम प्रिंसेप, साओ टोम प्रिंसेप, इसके बारे में याद रखिए कि जो साओ टोम प्रिंसेप है ये आपका गिनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा पर स्थित है और यह एक स्वतंत्र देश है। क्या है? स्वतंत्र देश है। ये आपका कैप वर्डे द्वीप है, कैप वर्डे द्वीप, इसके बारे में याद रखना है आपको कि जो आपका कैप वर्डे द्वीप है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेनेगल देश के पश्चिम स्थित कई ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीपों का ये समूह है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, फिर ये आपका मेडागास्कर, ये आपका मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप के बारे में याद रखना है आपको कि यह द्वीप देश दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका व मोजाम्बिक के पूर्व हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में। इसकी राजधानी अंताना रियो है। ठीक है, याद रखिए, अभी ये पॉइंट आपको बाद में और भी पॉइंट जो इससे संबंधित है जो आपको याद रखना है दोबारा बता दिए जाएंगे। ठीक है, वहां जाकर मैं तथ्यों में जाकर, इसलिए इन्हें आप सुनते जाइए, केवल मैप्स में नजर देते रहिए, मैप्स को देखते रहिए कि कहाँ कौन सा द्वीप है। इसके बाद हम लोग जब पॉइंट देखेंगे इसके तो उसमें आपको याद रहेगा कि ये द्वीप यहाँ स्थित है। यही आपका री यूनियन द्वीप है। कौन सा? री यूनियन द्वीप। जो री यूनियन द्वीप है आपका, इसके बारे में याद रखिए कि यह भी आपका हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व तथा मॉरिशस के दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में। ये आपका मॉरिशस द्वीप है, मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस जो आपका द्वीप है ये आपका मेडागास्कर द्वीप से पूर्व तथा रीयूनियन द्वीप के उत्तर में हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक, ये आपका जंजीवार है, जंजीवार द्वीप, और यही आपका पेम्बा द्वीप। जंजीवार और पेम्बा द्वीप, इसके बारे में याद रखना है कि आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश तंजानिया के प्रमुख शहर डारे सलाम की उत्तर पूर्व हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ है?
हिंद महासागर में, उनकी अभी स्थिति बता रहा हूँ, याद रखिए मैप्स में। बाकी जो और अधिक महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं इनसे संबंधित, उन्हें हम लोग पॉइंट में बात कर लेंगे, ठीक है। इनमें केवल इतना बता रहा हूँ कि कौन सा द्वीप कहाँ मैप्स में स्थित है, जिससे आपको याद करने में सहूलियत हो। यह आपका पेम्बा द्वीप हो गया, यही आपका सकुत्रा द्वीप है। कौन सा? सकुत्रा द्वीप। इसके बारे में याद रखना है, सकुत्रा द्वीप के बारे में, या सकुत द्वीप, यह एक द्वीप, यह आपका दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। बहरीन द्वीप, बहरीन द्वीप के बारे में आप याद रख लेना कि जो बहरीन द्वीप है यह फारस की खाड़ी में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश है। इसे फारस की खाड़ी का मोती भी कहा जाता है। यह आपका साइप्रस द्वीप है, साइप्रस द्वीप, जो साइप्रस द्वीप है आपका, यह आपका तुर्की के दक्षिण पूर्व, दक्षिण भूमध्य महासागर में स्थित है, एक छोटा सा देश। यह आपका सिसली है, सिसली, सिसली जो आपका द्वीप है, इसके बारे में याद रखिए कि सिसली द्वीप आपका इटली के दक्षिण तथा सिसली द्वीप के, इटली के दक्षिण भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर में अवस्थित है, ठीक। यही आपका, ये आपका लिपारी है, लिपारी जो आपका द्वीप है, ये इटली के दक्षिण में तथा सिसिली द्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर में अवस्थित है। कहाँ है? भूमध्य सागर में। ये आपका, यही आपका सार्डिनिया द्वीप है। कौन सा? सार्डिनिया द्वीप। इसके बारे में याद रख लिया ना कि सार्डिनिया में जो तो आपका द्वीप है, ये भी आपका भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ है? भूमध्य सागर में। ये आपका ऊपर कोरसिका द्वीप है, कोरसिका द्वीप, कोरसिका जो आपका द्वीप है, ये लिगुरियन सागर के पास भूमध्य महा, भूमध्य सागर में अवस्थित है। कहाँ? भूमध्य सागर में। ये आपका माल्टा है ऊपर, कौन सा? माल्टा। ये आपका द्वीप इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में अवस्थित है। ये सभी आपके भूमध्य सागर में स्थित हैं जितने भी हैं। बात करते हैं कनारी द्वीप। ये आपका कनारी द्वीप है, कनारी द्वीप जो आपका है, कनारा, कनारी द्वीप, इसके बारे में याद रखना है आपको कि कनारी द्वीप फॉर्चुनेट द्वीप भी कहा जाता है इसे, कनारी द्वीप को। यह द्वीप अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यही आपका मडीरा द्वीप है, इसके बारे में याद रख लेना कि यह मोरक्को के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपका इजोर्स द्वीप, इजोर्स द्वीप आपका, यह द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। फिर आपका पीको द्वीप, पीको द्वीप, या ये अभी आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह है आपका आयरलैंड, कौन सा? आयरलैंड, आयरलैंड आपका यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह ग्रेट ब्रिटेन का भाग है। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन का भाग है। यही आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड, यह द्वीप यूरोप महाद्वीप के उत्तर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यह एक विकसित राष्ट्र है इंग्लैंड, याद रखना, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। यह आपका शटलैंड है, शटलैंड, इसके शटलैंड के बारे में याद रखना है कि यह आपका जेटलैंड भी कहा जाता है इसे। यह ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। यह आपका ग्राट लैंड है, ग्राट लैंड, यही आपका ऊपर लोफोटन है, लोफोटन, लोफोटन जो है आपका, लोफोटन द्वीप, यह नॉर्वेजियन सागर में नॉर्वे के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ है? नॉर्वेजियन सागर में। यह आपका नोवा जेमेल्पा है, नोवा जेमेल्पा द्वीप, इसके बारे में याद रख लेना है कि आपका द्वीप रूस का अधीनस्थ द्वीप है, जो रूस के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर में स्थित है। नोवा,
जेमेलिया, द्वीप आपका कहाँ है? आर्कटिक महासागर। ये आपका सेशल्स, देखा सेशल्स छोड़ दिया था, सेशल्स द्वीप, जो आपका सेशल्स द्वीप है इसके बारे में याद रखना है, सेशल्स द्वीप के बारे में, कि ये आपका हिंद महासागर में तंजानिया के पूर्व स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में, सेशल्स द्वीप। तो ये आपके यूरोप के और अफ्रीका के प्रमुख द्वीप हो गए। अब एशिया के कुछ रह गए थे, कुछ एशिया के देख लिए, देखो कुछ एशिया के द्वीप हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रूस के पास है ये आपका सखालीन, कौन सा? सखालीन द्वीप। जो सक ये आपका सखालीन द्वीप है, जो आपका, इसके बारे में याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि रूस का द्वीप है जो जापान के उत्तर तथा ओकोटस्क सागर के दक्षिण में स्थित है। यही आपका क्यूराइल द्वीप है, क्यूराइल द्वीप। क्यूराइल द्वीप के बारे में याद रखिए आप, क्या आपका रूस के कमचटका प्रायद्वीप तथा जापान के होकाइडो द्वीप के मध्य अवस्थित है। यही है आपका होकाइडो, काइडो द्वीप है, होकाइडो द्वीप, इसके बारे में याद रख लेना है कि जो होकाइडो आपका द्वीप है यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सुंगारू जलसंधि तहुंसु द्वीप से अलग होता है द्वारा, सुंगारू जल द्वारा संधि द्वारा, ये आपका हंसु द्वीप है, हंसु द्वीप। हंसु द्वीप आपका याद रखना है कि यह जापानी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर अवस्थित है। ये आपका क्यूसु द्वीप है जापान के पास। ये आपका पार्सल व स्पार्टली द्वीप है, पार्सल व स्पार्टली द्वीप। यही आपका आपका बटन द्वीप है, क्या है? बटन द्वीप। बटन द्वीप आपका फिलीपींस के लुजन द्वीप के उत्तर में स्थित है। यही आपका लुजून, लुजोन द्वीप है। ये आपका यही मिंड, मिंडनाओ द्वीप है। यही आपका बोर्नियो द्वीप है, कौन सा? बोर्नियो द्वीप। ये आपका, फिर बात करते हैं अंडमान निकोबार है आपका, यहाँ आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, हिंद महासागर में। ये आपका लक्षद्वीप है अरब सागर में। ये आपका श्रीलंका है हिंद महासागर के पास ही। मालदीप है, ये आपका कौन सा? मालदीप। श्रीलंका जो आपका हुआ है द्वीप, यह द्वीप दक्षिण भारत देश, जो भारत है, भारत के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। इसे एशिया का प्रवेश द्वार, हिंद महासागर का मोती तथा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा दी गई है। यह आपका मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत को भारत से अलग होता है, ठीक है। ये आपका फुकेट द्वीप है, कौन सा? फुकेट द्वीप। जो आपका फुकेट द्वीप है यह थाईलैंड के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसका प्रशासन थाईलैंड के अधीन है, ठीक। यही आपका सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप मलय प्रायद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में अवस्थित है। यह एक इंडोनेशिया का प्रांत है, किसका? इंडोनेशिया का। ये आपका, यही आपका सिंगापुर है, सिंगापुर द्वीप। सिंगापुर द्वीप के बारे में आपको याद रख लेना है कि सिंगापुर द्वीप आपका दक्षिण पूर्व में मलय प्रायद्वीप के दक्षिण द्वीपीय देश है। इसके बारे में आगे और अच्छे से डिटेल से बात करेंगे, केवल इसकी स्थिति देख लीजिए। यह आपका जापान है, कौन सा? जापान।
सॉरी जावा द्वीप, जावा द्वीप आपको याद रखना है जावा द्वीप के बारे में, कि हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में। यह भी इंडोनेशियाई द्वीप समूह का द्वीप है। यही आपका तिमोर द्वीप है, फिर आपका यही आपका सुला बेसी द्वीप है, यही आपकी वाली द्वीप है, यही आपका वाली द्वीप है। इंड बाली द्वीप जो इसका है, यह आपका इंडोनेशिया में जावा के पूर्व स्थित है। बाली द्वीप एक द्वीपीय प्रांत जिसका मुख्यालय डेनबासार है। यह आपका तिमोर द्वीप देख लिया है, यह आपका न्यू गिनी है, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप है जो आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। यह आपका गुआम है, यही आपका विकनी द्वीप है, यह आपका टोंगा द्वीप है। टोंगा द्वीप आपका, इसे हम लोग फ्रेंडली द्वीप भी कहते हैं। ये आपका दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, कहाँ है? दक्षिण प्रशांत, दक्षिण पश्चिम। ये आपका मार्शल है, मार्शल द्वीप। ये आपका माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह का एक द्वीप है जो आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये आपका प्रशांत महासागर लगा हुआ है। यही क्रीबाती है आपका, तुवाली है, तुवालु, वतानु। ये आपका फीजी द्वीप है। कौन सा? फीजी द्वीप। कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर में। यही आपका नोरू है। नोरू का पुराना नाम, नोरू जो आपका द्वीप है, इसका पुराना नाम है प्लीजेंट आईलैंड। ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आपका न्यू कैलिडोनिया है, न्यू कैलिडोनिया। ये आपका हेराइट द्वीप है, हेराइट द्वीप। आपका यही स्टुवर्ट द्वीप है, स्टुवर्ट द्वीप। ये भी आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है। यहाँ ये सभी आपके प्रशांत महासागर में है, ठीक है। ये आपका तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया के पास। ये आपके कंगारू द्वीप है, कंगारू द्वीप। ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यार्क प्रायद्वीप के दक्षिण में सेंट बेसेंट की खाड़ी में है। यहाँ की बैरियर द्वीप है, बैरियर द्वीप। बैरियर द्वीप आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। कंगारू द्वीप देखिए, कंगारू आपका देख ही चुके हैं हम लोग। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के यार्क प्रायद्वीप के दक्षिण में सेंट बेसेंट की खाड़ी में स्थित है। तस्मानिया देख चुके हैं। तो ये आपके एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी द्वीप थे सभी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें भी एक नजर में देख लेते हैं, जल्दी से निपटा लेते हैं, ठीक। तो ये है आपका अपोसिल द्वीप, अपोसिल द्वीप। यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील के दक्षिण तट पर स्थित एक द्वीप जो विस्कॉन्सिन के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है, जहां लगभग 20 द्वीप हैं, किंतु इन्हें ट्यूबेल ट्यूबेल अपोसिल कहा जाता है। फिर आपका वैंकूवर द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की पश्चिमी सीमा के सहारे उत्तरी प्रशांत महासागर में मुख्य भूमि के पास स्थित कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित कनाडा का द्वीप जो वॉशिंगटन राज्य से जुआन डीप फूका जलसंधि से अलग होता है। यह आपका पर्वतीय द्वीप है जिसकी सर्वोच्च चोटी है गोल्डन हिंडे। फिर आपका विंडवर्ड द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप समूह जिसके अंतर्गत सेंट वेसेंट, ग्रेनाइट सॉरी ग्रेनाइट ग्रेनाडाइन, सेंट लूसिया, मार्टिनी तथा डोमिनिका द्वीप आते हैं। फिर आपका एलिजाबेथ द्वीप कनाडा तथा ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित एक द्वीप जिस पर 103 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है। फिर आपका आलिवसियन द्वीप
बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से अलग करने वाला एक ज्वालामुखी द्वीप चाप है, जिसका पुराना नाम कैथरीन द्वीप समूह है। सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी सीसाल्डिन यूनिमार्क द्वीप पर 2856.7 मीटर ऊंचा है। मुखनगर डच पतन यूना लास्को द्वीप पर अवस्थित है। अलियूसियन द्वीप को अलास्का के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से वर्ष 1867 में खरीदा था। आपका फॉकलैंड द्वीप, कौन सा फॉकलैंड द्वीप, स्पेनिश भाषा में, स्पेनिश भाषा में से इस लास मालविनाज कहा जाता है। यह टेरा डेल फ्यूगो की पूर्व दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक ब्रिटिश द्वीप है, याद रखना, जिसका मुख्यालय स्टेनली, सर्वोच्च बिंदु उस बॉर्न है। इस द्वीप पर अधिपत्य हेतु अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवाद चल रहा है। जो विवाद में रहा करें द्वीप, उन्हें आप लोग ज्यादा फोकस दे लिया करो, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला बेलिंगटन द्वीप, चिली के पश्चिमी तट पर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित एक द्वीप है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है आपका। फिर आपका न्यूफाउंडलैंड द्वीप, कनाडा के लिब्राडोर प्रायद्वीप के पूर्व स्थित यह द्वीप मछली पालन हेतु प्रसिद्ध है। यह लिब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा की मिलने के कारण बड़ी संख्या में मछलियां निकाली जाती हैं। इसकी राजधानी आपकी सेंट जॉन्स है, कौन सी, सेंट जॉन्स। फिर आपका क्यूबा द्वीप, आपका मैक्सिको की खाड़ी के पास कैरिबियन सागर में अवस्थित है। यह एंटीलीज द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह कैरिबियन द्वीप समूह में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इसकी राजधानी हवाना है, क्या है, हवाना। यहाँ विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा। फिर आपका बहामा द्वीप, यह अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के पूर्व स्थित द्वीप का एक समूह है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप अंडोरा है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसकी राजधानी है नसारू। यह हरिकेन चक्रवात का प्रभाव देखा जाता है। फिर आपका त्रिनिदाद और टोबैगो, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित यही कैरिबियन सागर में दक्षिण अमेरिका के उत्तर में अवस्थित एक स्वतंत्र देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ गन्ना की कैसी कृषि की जाती है। इस द्वीप पर भारतीय मूल के लोगों की अधिकता है। फिर आपका विक्टोरिया द्वीप, कनाडा की मुख्य भूमि के उत्तर अवस्थित कनाडा का एक द्वीप है। यहाँ वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। यह आर्कटिक महासागर में स्थित है आपका विक्टोरिया द्वीप, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग बैंक्स द्वीप, उत्तरी अमेरिका के उत्तर बिफोर्ड सागर में अवस्थित कनाडा का एक द्वीप है। यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। फिर आपका प्रिंस एडवर्ड द्वीप, कौन सा, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, कनाडा का यह द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में नोवा स्कोशिया के उत्तर स्थित है। चार्लोटेटाउन इसकी राजधानी है। फिर आपका हवाई द्वीप, कौन सा, हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में मैक्सिको से पश्चिम स्थित यह द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य। इसकी राजधानी है होनोलुलु। माउंट मोनालुआ और माउंट मोनाकी यहाँ की सक्रिय ज्वालामुखियां हैं। यहाँ गन्ने का प्रति हेक्टर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ अनानास एवं कपास का भी उत्पादन होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्म यही हुआ था हवाई द्वीप पर, याद रखना है। बराक ओबामा का जन्म कहाँ हुआ, हवाई द्वीप। फिर आपका नूनी वाक द्वीप, यह अलास्का के पास उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वीप है। यह बेरिंग सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आपका गैलापागोस द्वीप, यह द्वीप दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा में अवस्थित
इस द्वीप पर विश्व के सबसे बड़े कछुए पाए जाते हैं। इसी द्वीप पर डार्विन ने अपना शोध कार्य किया था। यहाँ की मुख्य भाषा स्पेनिश है। फिर बात करते हैं ग्रीनलैंड। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर की मध्य अवस्थित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, परंतु प्रशासनिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन है। नूक इस द्वीप की राजधानी है। फिर आपका विभिन्न द्वीप। कनाडा के उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित यह द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहां सदैव बर्फ जमी रहती है, फलता यह निर्जन द्वीप है। फिर आपका ऑर्कनी द्वीप। यह ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में स्थित एक द्वीप है जिस पर ब्रिटेन का अधिकार है। यहाँ जो तथा जई पैदा होती है फसल। फिर आपका फेरो द्वीप ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित डेनमार्क के अधीन एक द्वीप जो पर्वतीय है तथा यहाँ मत्स्य तथा भेड़ उद्योग विकसित है फेरो द्वीप पर। फिर आपका बेलियारिक द्वीप स्पेन के पूर्व भूमध्य सागर में स्थित स्पेन का द्वीप जिसमें मुख्य द्वीप मजोरका तथा मिनोरका है। यहाँ का मुख्य उत्पाद फल एवं शराब है। फिर आपका मानव द्वीप आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के मध्य स्थित आयरिश सागर में स्थित एक द्वीप है मानव द्वीप। फिर आपका शेटलैंड द्वीप, इसे जेटलैंड भी कहा जाता है। यह ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर अटलांटिक महासागर में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री उत्तरी पश्चिमी देशांतर पर स्थित एक द्वीप है जो ऑर्कनी द्वीप से दक्षिण पश्चिम में स्थित है जहाँ हेरिंग मछलियां पकड़ी जाती है। फिर आपका कॉर्सिका द्वीप, यह द्वीप लिगुरियन सागर के पास भूमध्य सागर में स्थित है। इसका प्रशासन फ्रांस के अधीन है। यहाँ पुरानी अग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इस द्वीप के बीच अत्यंत सुंदर है जिसके कारण पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। फिर आपका साइप्रस द्वीप, तुर्की के दक्षिण भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इसकी राजधानी है निकोसिया। यह पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। फिर आपका सार्डिनिया द्वीप, यह भी आपका भूमध्य सागर में स्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। यह भूमध्य सागर का दूसरा प्रमुख द्वीप है। यह इटली द्वारा शासित इटली का एक प्रांत है। फिर आपका माल्टा द्वीप, यह द्वीप इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित है। यह एक छोटा द्वीपीय देश है। यहाँ अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर आधारित है। इसकी राजधानी वालेटा। यहाँ की मुद्रा है लीरा। फिर एसेंशियन द्वीप, यह द्वीप अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह द्वीप इंग्लैंड का उपनिवेश है। इंग्लैंड ही इस पर शासन करता है। यह विस्तृत ज्वालामुखी लावा प्रवाह युक्त रेगिस्तान है। फिर आपका बहरीन द्वीप, यह फारस की खाड़ी में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश है। इसे फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। यह बहुमूल्य जवाहरात पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस हेतु प्रसिद्ध है आपका। फिर ईस्टर द्वीप, यह द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित पॉलिनेशिया द्वीप समूह में पूर्वोत्तम द्वीप है। यह चिली के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। यहाँ जन्न केला आलू बड़ी मात्रा में पैदा होता है ईस्टर द्वीप पर। ठीक। फिर आपका इजोर्स द्वीप, यह द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक पर स्थित है। यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित द्वीप है। यह पुर्तगाल के अधीन है। इसकी राजधानी पेंटा डेलगासा है। फिर आपका लोपोटन द्वीप, यह नॉर्वेजियन सागर में नॉर्वे के उत्तर में अवस्थित है। इसके तट फ्योर्ड तट के उदाहरण है। इस द्वीप पर मत्स्य उद्योग का काफी विकास हुआ है। फिर आपका आयरलैंड, यह द्वीपीय देश उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह ग्रेट ब्रिटेन का भाग है। डबलिन आयरलैंड इसकी राजधानी है। फिर आपका इंग्लैंड, यह द्वीपीय देश यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
यह एक विकसित राष्ट्र है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। यह मत्स्य उद्योग काफी विकसित है, साथ ही लोह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ काफी विकसित है। फिर आपका लिपारी द्वीप, इटली के दक्षिण तथा सिचिली द्वीप के उत्तर भूमध्य सागर में स्थित यह द्वीप ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित द्वीप है। विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्टॉम्बोली इसी द्वीप पर अवस्थित है। इस द्वीप का शासन इटली के द्वारा किया जाता है। फिर आपका सिसिली द्वीप, यह द्वीप इटली के दक्षिण भूमध्य सागर में अवस्थित है। यह इटली का सबसे बड़ा व सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। यह मेसिन जल संधि द्वारा मुक्त भूमि से अलग होता है। यहाँ का प्रसिद्ध ज्वालामुखी एटना है। यह मदिरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह फिर आपका जंजीबार और पेम्बा द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के देश तंजानिया के प्रमुख शहर दार ए सलाम के उत्तर पूर्व हिंद महासागर में अवस्थित। ये दोनों द्वीप विश्व में सर्वाधिक लौंग का उत्पादन करते हैं। यहाँ का प्रशासन तंजानिया के द्वारा किया जाता है। फिर आपका मेडागास्कर द्वीप, यह द्वीप देश दक्षिण अफ्रीका व मोजाम्बिक के पूर्व हिंद महासागर में अवस्थित है। इसकी राजधानी अंतानारिवो है। यहाँ वनीला का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बात करते हैं रीयूनियन द्वीप, यह हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व तथा मॉरीशस के दक्षिण में अवस्थित है। रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी द्वारा निर्मित यह द्वीप फ्रांस द्वारा शासित है। इसकी राजधानी सेंट डेनिस है। क्या है? सेंट डेनिस। फिर आपका मॉरीशस द्वीप, यह द्वीप मेडागास्कर के द्वीप से पूर्व में और रीयूनियन द्वीप के उत्तर में हिंद महासागर में स्थित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुई है। यह द्वीप सुंदर बीच एवं पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप इस द्वीप के डूबने की संभावना है। यह विश्व के विलुप्त प्राय हो चुके डूडो पक्षी का एकमात्र आश्रय स्थल है। फिर आपका नोवा नोवा जेमेलिया द्वीप, यह द्वीप रूस का अधीनस्थ द्वीप है जो रूस के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। यहाँ रूस अपना परमाणु कचरा डंप करता है। सदैव बर्फ से ढके रहने वाले इस द्वीप के आसपास पेट्रोलियम एवं खनिज तेल की प्रबल संभावना है। फिर आपका कनारी द्वीप, कौन सा? कनारी द्वीप, इसे फार्चुनेट द्वीप भी कहा जाता है। यह द्वीप अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहाँ भूमध्य सागरीय एवं अफ्रीकी जीव मिलते हैं। कनारी द्वीप के नाम पर उत्तर से दक्षिण बहने वाली जलधारा को कनारी धारा कहा जाता है। फिर आपका कोमोरो द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप तथा मेडागास्कर द्वीप के मध्य स्थित मोजाम्बिक चैनल में 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। 1914 में यह मेडागास्कर के अधिकार में था। 1947 में फ्रांस के अधिकार में हुआ तो जुलाई 1975 में ये स्वतंत्र हो गया। फिर आपका मडीरा द्वीप, कौन सा? मडीरा द्वीप मोरक्को के उत्तर पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप जो कनारी द्वीप के उत्तर में स्थित है। यह शराब, गन्ना, केला का प्रमुख उत्पादक है। फिर आपका मैस्क्रेन द्वीप, मेडागास्कर के पूर्व 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित एक द्वीप समूह है जिसमें मॉरिशस देश है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। फिर आपका साओ टॉम व प्रिंसेप द्वीप, ग्रीनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीप तथा स्वतंत्र देश है। इसकी राजधानी है साओ टॉम। यहाँ का मुख्य निर्यात कोकोआ, कहवा और नारियल, तांबा यहाँ का नारियल निर्यातक है। ठीक, कोकोआ, कहवा और तथा नारियल। आगे बात करते हैं हम लोग सेंट हेलेना द्वीप, कौन सा? सेंट हेलेना, यह आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक तट पर स्थित है जो 21 मई 1502 को पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था। 1661 में ब्रिटेन के अधिकार में आ गया। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। यह 1815 से 1821 तक
नेपोलियन को कैद में रखा गया था। फिर आपका सोपोत द्वीप, एक द्वीप जो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक भाग है, जिसका क्षेत्रफल 3108 वर्ग किलोमीटर है। यह यमन के दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। फिर आपका केप वर्डे द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेनेगल द्वीप के पश्चिम स्थित कई ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीपों का समूह है। इसकी सर्वोच्च चोटी है 2829 मीटर फोगो द्वीप पर स्थित है। यहाँ का मुख्य उत्पादक गन्ना, तंबाकू, संतरा और कहवा प्रमुख है। फिर आपका आमामी द्वीप जापान के क्यूशू द्वीप तथा ताइवान के मध्य रीयूकू द्वीप चाप पर ओकिनावा के उत्तर पूर्व स्थित है द्वीप, जो जापान के अधिकार में है। फिर आपका कुराइल द्वीप रूस के कमचटका प्रायद्वीप तथा जापान के होकेडो द्वीप के मध्य स्थित 56 ज्वालामुखी द्वीपों की मेखला, जो रूस के सखालीन का भाग है। पहले यह होकेडो का भाग था। हेल मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। सर्वोच्च बिंदु अल्टा सो 2339.63 मीटर ऊंचा है। यहाँ के मूल निवासी एनु हैं। सितंबर 1945 में यह जापान से रूस के अधिकार में आया। इन द्वीपों के सहारे उत्तर से दक्षिण कुराइल ठंडी जल की धारा प्रवाहित होती है। फिर आपका पलावन द्वीप फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित एक पर्वतीय द्वीप है, जिसका सर्वोच्च चोटी है मानालिंग जन 2085 मीटर ऊंचा। यहाँ के मुख्य निवासी विसायन, मोरो, वटक तथा ताग पांगवा है। फिर आपका बटन द्वीप फिलीपींस के लुजन द्वीप के उत्तर स्थित 20 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा एक द्वीप, जहाँ कोयले की कई खदानें हैं। फिर आपका बाली द्वीप इंडोनेशिया में जावा के पूर्व स्थित एक द्वीपीय प्रांत है, जिसका मुख्यालय डेनपासार है। सर्वोच्च चोटी गुनोंग आगुंग है, यह ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। मलय द्वीप समूह यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत तथा हिंद महासागर के मध्य स्थित है। मुख्य द्वीप बुनियो, सेलेबीच, जावा, लुजन, मेंडानाओ, सुमात्रा तथा न्यू गिनी है इसमें तीन शामिल है। आगे बात करते हैं हम लोग स्पेटली द्वीप दक्षिणी चीन सागर में 150 प्रवाल भीतियों पर स्थित द्वीप समूह, जिस पर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, वोनई दावा करते रहते हैं। ठीक। फिर आपका सखालीन रूस का द्वीप, जो जापान के उत्तर तथा ओकोटास सागर के दक्षिणी में स्थित है। इसके पश्चिम में ततार संधि जल संधि तथा दक्षिण में सोया जल संधि है। यह मत्स्यन, लकड़ी उद्योग, कोयला खनन, तेल खनन, पोत निर्माण उद्योग मुख्य। 1945 में यह रूस के अधिकार में आया था। फिर आपका सारावाक द्वीप वोनेयु द्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित मलेशिया का एक भाग है। सारावाक तथा साबाय सम्मिलित रूप से पूर्वी मलेशिया कहलाते हैं। इसका मुख्यालय कुचिंग में है। मुख्य उत्पाद यहाँ नारियल, चावल, रबड़ तथा तेल है। फिर आपका सुशीमा, कौन सा सुशीमा द्वीप जापान के नागासाकी के पास कोरिया जल संधि के पास स्थित द्वीप है। जापान के सुशीमा तथा क्यूशू द्वीप के मध्य सुशीमा जल संधि है, जो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से संबद्ध करती है। इसमें सुशीमा धारा प्रवाहित होती है। इस जलसंधि को जापान सागर का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जहां जापान ने 1905 को रूस को हराया था। फिर आपका सेलेबीस द्वीप मलय द्वीप समूह के बुनियो द्वीप के पूर्व भूमध्य रेखा पर इंडोनेशिया का एक द्वीप, जहां मुख्य उत्पाद आपका मक्का, धान, तंबाकू, नमक, सल्फर है। सेलेबीस द्वीप के उत्तर में सेलेबीस सागर प्रशांत महासागर का एक भाग है। फिर बात करते हैं सेशेल्स द्वीप के बारे में। हिंद महासागर में तंजानिया के पूर्व तथा 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
और तथा 56 पूर्वी देशांतर देशांतर पर स्थित द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी है माहे द्वीप पर स्थित विक्टोरिया है। माहे सबसे बड़ा द्वीप है। प्रमुख उत्पाद यहाँ नारियल का है। वर्ष 1810 में यह मॉरिशस के अधिकार में था। 1903 में यह ब्रिटिश उपनिवेश बना और जून 1976 में यह एक स्वतंत्र देश बना। फिर है आपका सिंगापुर, कौन सा देश? सिंगापुर द्वीप। दक्षिण पूर्व में मलय प्रायद्वीप के दक्षिण में द्वीपीय देश है। 6 फरवरी 1942 से सितंबर 1945 तक यह जापान के अधिकार में था। 1946 में ब्रिटिश उपनिवेश बना और 1963 से 65 में मलेशिया राज्य था। 1965 में स्वतंत्र राज्य बन गया। यह भूमध्य रेखा से 124 किलोमीटर उत्तर स्थित एक पर्वतीय द्वीप है। सिंगापुर जलसंधि के तट पर सिंगापुर मुख्यालय स्थित है। यहाँ पोत निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, बिजली के सामान का निर्माण होता है। फिर आपका श्रीलंका द्वीप। यह द्वीपीय देश भारत के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसकी राजधानी है कोलंबो की, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। इसे एशिया का प्रवेश द्वार, हिंद महासागर का मोती एवं पूर्वी समुद्री की स्वामिनी की संज्ञा दी गई है। यह मन्नार की खाड़ी द्वारा पाक से भारत से अलग होता है, सॉरी पाक जलडमरू भी यही है आपका। फिर आपका फूकेट द्वीप। यह द्वीप थाईलैंड के पश्चिमी भाग, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसका प्रशासन थाईलैंड के अधीन है। यहाँ से टिन निकाला जाता है। फिर आपका सुमात्रा द्वीप मलय प्रायद्वीप के दक्षिण हिंद महासागर में अवस्थित है। यह इंडोनेशिया का एक प्रांत है। यह इंडोनेशियाई द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। यही आपका जावा द्वीप है। हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह भी इंडोनेशियाई द्वीप समूह का द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसी द्वीप पर अवस्थित है। यह ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न द्वीप है। फिर आपका हंसु द्वीप। यह जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर अवस्थित है। इसी द्वीप पर ज्वालामुखी शिखर माउंट फ्यूजी यामा अवस्थित है। यह आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर आपका होकाइडो द्वीप। यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सुंगारू जलसंधि द्वारा होन्शु द्वीप से अलग होता है। होन्शु होकाइडो द्वीप के मध्य भूमिगत रेल सुरंग बनाए गए हैं। फिर आपका मार्शल द्वीप माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह का एक द्वीप जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इस द्वीप पर अमेरिका का सामरिक बेड़ा है। फिर आपका एंटीपोड द्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 180 डिग्री देशांतर पर स्थित एक द्वीप, जो लंदन के ठीक विपरीत फिती दूरवस्त बिंदु पर स्थित है। फिर आपका कंगारू द्वीप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में यार्क प्रायद्वीप के दक्षिण सेंट विंसेंट की खाड़ी में अवस्थित है। स्टेवर्ट द्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक पर्वतीय तथा वनाच्छादित द्वीप। फिर आपका वेरिय द्वीप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ये आपका वेरियल द्वीप। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बड़ा चैप्टर है, और इसलिए है क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बड़ा चैप्टर एडजस्ट करना है, ठीक है। रेनेल द्वीप प्रवाल सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में 11 डिग्री 40 मिनट दक्षिणी अक्षांश और 160 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर पर सोलोमन द्वीप के पास स्थित है। इसके नाम पर रेनेल धारा का नाम पड़ा है। इसके पूर्व में टी गानी झील स्थित है, जो प्रशांत महासागर के मीठे जल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर आपका फिजी द्वीप दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में 800 से अधिक द्वीपों का समूह है, जिसकी राजधानी है सुवा। 180 देशांतर इससे होकर गुजरती है, किंतु यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम स्थित है। सर्वोच्च बिंदु टोमा नियो नीवी पर्वत है,
1643 में तस्मान द्वारा खोजा गया और 1774 में कैप्टन हुक पहुंचे यहाँ। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्ल्स बिलकेज ने इसका सर्वेक्षण किया और 1874 में ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार में आया। 1970 में यह स्वतंत्र हुआ। यह आपका फिजी द्वीप, फिर है आपका टोंगा द्वीप, इसे फ्रेंडली द्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में 270 वर्ग मीटर क्षेत्र पर फैला ज्वालामुखी उत्पत्ति का 150वां द्वीप है। 150 द्वीपों का समूह है जिसकी राजधानी नुकू अलोफा है। यहाँ का प्रमुख उत्पादक मक्का, नारियल तथा केला है। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम स्थित है। याद रहे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित यह प्रथम देश है जहाँ नया दिन प्रारंभ होता है। इसलिए अब टोंगा को उगते सूरज का देश कहा जाता है, ना कि जापान को, याद रखना है आपको। फिर आपका न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर भूमध्य रेखा के दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप जिसकी पश्चिमी भाग इंडोनेशिया के अधिकार में है तथा आधा पूर्वी भाग एक स्वतंत्र देश पपुआ न्यू गिनी है जिसकी राजधानी पोर्ट मोरसेबी है। 16 सितंबर 1975 को यह स्वतंत्र देश बना। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विलहेल्म, यह 16 सितंबर 1975 को स्वतंत्र देश बना, याद रखना है आपको। इसका सर्वोच्च चोटी माउंट विलहेल्म है, 4509 मीटर ऊंची। फिर आपका नोरू, पुराना नाम है पहली जेंट आइलैंड, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गिलबर्टी द्वीप के पश्चिम एक स्वतंत्र द्वीप देश की जिसकी खोज 1798 में हुई। 1888 में जर्मनी के अधिकार में आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1914 ईस्वी में अधिकार किया। जापान में 1942 में अधिकार किया इसने। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1914 में अधिकार किया, जापान में 1942 में। वर्ष 1968 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। यह फास्फेट का प्रचुर भंडार है। नौरू के सहयोग से भारत में पारादुई में एक फास्फेट और वह संयंत्र लगाया गया। इसकी राजधानी आरएन है। क्या है? आरएन। तो ये थे आपके प्रमुख द्वीप। क्या थे? जितने महत्वपूर्ण द्वीप हैं उन सभी को देख लिया हमने विश्व में जरूर, ठीक है। आगे हमें बात करनी है जिसके प्रमुख वन और वनस्पतियों के बारे में। विश्व के प्रमुख वन देखेंगे और वनस्पतियां देखेंगे, ठीक है।